तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज करंट अफेयर। आज 13 मई है, तो आज मेरा पहला दिन है, मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया है, ठीक है। और इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को मतलब एक हेडलाइन होगी, उस हेडलाइन से हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपको दिख रहा है, नासा, नासा टेलीस्कोप टू हंट बिग बैंग एरा एंड होल ब्लैक होल इन 2020। देखो, नासा ने एक टेलीस्कोप बनाया जिसको बिग बैंग एरा के एक ब्लैक होल है उसके बारे में जानने के लिए 2026 में, ठीक है। ब्लैक होल वीक बनाते 6 मई से 10 मई के बीच बनाते हैं। ओके, और जो नासा है ना, नासा ये एक एजेंसी है, देखो ये रहा नैसी ग्रेसी रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। नैसी ग्रेसी स्पेस टेलीस्कोप विल लॉन्च इन 2026, इसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर के लिए, जिससे क्या होगी वो स्पेस के अंदर देख सकेंगे ब्लैक होल वगैरह को, ठीक है, और इतने लाइट ईयर वगैरह को फर्स्ट टाइम विजिट कर सकेंगे, ठीक है। इतने लाइट ईयर एगो को तक जा सकते हैं, 100, ठीक है। नासा की मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, इसको मनाया गया था, ठीक है, 1958 में नासा को बनाया गया था। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसी तरह इसरो का नाम सुना होगा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ की है, ये हमारे इंडिया की, इसकी जो बनाया गया था 1969 में बनाया गया था। ओके, इस तरीके से याद रखना इसको। आगे चलते हैं, ऐसे रसिया की रोस्कोसमोस है, जापान की जक्सा, ठीक है, चाइना की सीएसए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो टू 4.9 इन मार्च, ठीक है। जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है, मार्च 4.9 में, देखो फरवरी में 5.7 था, मार्च में ये थोड़ा कम हो गया, ठीक है। इस इंडेक्स को रिलीज कर, इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, IIP एक होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इंडिया स्पाइस बोर्ड इशू टू ETO कंटामिनेटेड गार्डन, ठीक है। जो इंडिया के जो स्पेस स्पाइस बोर्ड है, स्पाइस मतलब मसाले का जो एक संस्था है, उसने क्या ETO ज़्यादा होता है, ETO का मतलब इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड ज़्यादा है। देखो हांगकॉन्ग ने क्या कर दिया, हमारे हांगकॉन्ग और सिंगापुर ने हमारे जो फेमस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर मसाले जैसे MDH हर शादी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, MDH के मसाले, एवरेस्ट के मसाले, इन सबको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक चीज़ें मिली हैं, कार्सिनोजेनिक पदार्थ केमिकल मिले हैं, जिससे कि इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड होता है जो कंटामिनेटेड होते हैं, ये कैंसर कॉजेस होते हैं कार्सिनोजेनिक। ओके, आगे देखते हैं, इंडिया फ्रांस सेट 7th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइज होते हैं, गरुण शक्ति, वरुण, ठीक है, डेजर्ट नाइट वगैरह, ये सारी होती हैं इसके बीच में, ठीक है। 7th एडिशन हुआ है इसका, 13 मई से लेकर 26 मई तक चलेगी, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है, ये फ्रांस के अंदर हुई थी, पहले अप्रैल 2022 से 2025 में। चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हमारे सेकेंड चीफ डिफेंस स्टाफ हैं, ये मेघालय के उमरोई में हुई है, ठीक है, मेघालय कैपिटल ऑफ शिलोंग है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, UN जनरल असेंबली सपोर्ट द फिलिस्तीनियन UN मेंबरशिप बिड, ठीक है, 10 मई 2024, ठीक है। कई दिन क्या हुआ था, जनरल असेंबली के दिन वोट हुए थे, उसके बीच में क्या होता है, फिलिस्तीन ने बिड करी थी फुल मेंबरशिप के लिए UN के अंदर। रेजोल्यूशन 143 वोट सपोर्ट में आए थे और 9 अगेंस्ट में आए थे और 25 में अब्सेंट थे, ठीक है। तो प्रीवियस UN काउंसिल ने क्या करा, नोटेबल, ठीक है, इसराइल के अंदर है ना, फिलिस्तीन, इसराइल है अपोज टू द सेम, इसराइल ने क्या अपोज करा इसके, इंडिया इसके फेवर में थे, इंडिया वोटेड इस फिलिस्तीन के फेवर में वोट करा, ठीक है। इसराइल जेरूसलम इसकी कैपिटल है। आगे देखते हैं, DRDO एंड IIT भुवनेश्वर कोलाबोरेट डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। DRDO की मैं बता रहा हूँ, DRDO की जो शुरुआत हुई थी 1958 में, इसको बनाया गया था, ठीक है, DRDO को, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट IIT, IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। इन्होंने क्या साइन करा है, ठीक है, कोलाबोरेट करा है डिफेंस की टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, डिफेंस के जितने भी हथियार वगैरह बनेंगे उनको लेके 18 करोड़ की फंडिंग करी है, ठीक है। इस वजह से 7 प्रोजेक्ट के ऊपर बात होंगे, ठीक है, ये देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। आगे देखते हैं, मोस्ट एम्प्लॉयर रिक्वायर टू AI स्किल फॉर हायरिंग 2024 वर्क ट्रेंड इंडेक्स, ठीक है।
मतलब 2024 के अंदर जो AI स्किल वालों को बहुत ज़्यादा हायरिंग मिल रही है। AI के फुल फॉर्म होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वर्क प्लेस है रैपिडली ट्रांसफॉर्म द हाउ बहुत सारी कंपनियों ने करा, ठीक है। बहुत सारे आपने सुना होगा CEO बन गए हैं किसी के, न्यूज़ एंकर बन गए हैं, कोई टीचर बन गए हैं। AI के बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 2024 के अंदर ये वर्क इंडेक्स एनुअली रिपोर्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन के द्वारा प्रोवाइड की गई है ये सारी चीज़ें AI स्कूल के द्वारा, ठीक है। ये लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि AI वाले लोगों की ज़्यादा हायरिंग हो रही है 2024 में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे है इसमें वाइस एडमिरल संजय भल्ला, ठीक है, टेक्स हेलम एंड चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी के चीफ एंड पर्सनल बने हैं ये, ठीक है, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, ठीक है। ये 35 साल के डिस्टिंग्विश, ठीक है, और यहाँ पे चीफ बने ये 10 मई के दिन, ठीक है। और इनके फुल क्या कर रखा है, ये आपको इनकी फ़ोटो नज़र आ रही है इसकी, ठीक है। तो नेवल क्या होता है, नेवल जो हमारी तटरक्षी, ठीक है, नेवी होते हैं जो हमारी सीमा को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे समुंदर के अंदर होते हैं नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं वो तट वाले। तो दुबई लॉन्च है गेमिंग वीज़ा टू बूट्स लोकल इंडस्ट्री, ठीक है। दुबई ने क्या है, दुबई हैज़ लॉन्च है इनोवेटिव गेमिंग वीज़ा, गेमिंग वीज़ा देने गया है, ठीक है। क्राउन प्रिंस, ठीक है, यहाँ का जो क्राउन प्रिंस है इनका नाम है हमदन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तोम, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जितने गेमिंग वालों को एलिजिबिलिटी क्या है, इनमें 25 साल की उम्र होनी चाहिए, एप्लीकेशन मस्ट बी लिस्ट, ठीक है, वो और वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, एविडेंस भी होना चाहिए उनके बाद वर्क एक्सपीरियंस के। और आपको वीडियो लाइक का मतलब पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, ठीक है।